हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के एक नए वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे आप लोग देख के जान ही चुके होंगे कि आज के वीडियो का थीम है इगोस्टी मैच का, नेक्स्ट 4 इयर्स का क्या प्लान है इंडियन टीम के साथ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू दिस। बिफोर दैट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु बीन ट्राइंग हार्ड टू हेल्प मी। थैंक यू, कीप ऑन हेल्पिंग दिस चैनल एंड वी विल बी ग्रोइंग सून टू 1000 सब्सक्राइबर्स। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इंडियन फुटबॉल के ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ आके यहाँ। सो आज का जो नया न्यूज़ आ रहा है इगोस्टी मैच के खेमे से, वो है कि अभी इगोस्टी मैच ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ और भी 4 इयर्स काम करने के लिए आफ्टर द सैफ कप एंड दी ट्राई नेशंस एंड दी अदर कप्स विच वी जस्ट वोन। उन्होंने पूरा साफली बोल दिया कि मुझे भाई 4 बरस और भी चाहिए इंडिया को टॉप 10 पे लेके जाने में। और अगर वो ये दावा करते हैं कि हम लोग को टॉप 10 में लेके जाएंगे कि इससे क्या ही और अच्छा हो सकता है हमारे लिए। अभी तो हम लोग को टॉप 10 का मतलब जो रास्ता है वो तय करना है। 18th पे है हम लोग को, और भी 8 रैंक चढ़ के 10th पे आना है एशिया में। सो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। और वही ठीक इगोस्टी मैच बोल भी रहे हैं कि उनको भी यही इसी मार्गदर्शन पे लेके जाना है हम लोगों को। और वो बोल रहे हैं ये भी कि एज अ इंडियन कोच उनको पता है कि उनके इंडियन अंडर 23 टीम में ऐसे टैलेंट्स हैं कि उनको वो मोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि वो लोग सब अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल के आ गए हैं। तो वो तो है ही, हम लोग अंडर 17 वर्ल्ड कप तो खेले ही थे जो कि इंडिया में हुआ था, और वहीं से आज सब अंडर 23 में है। सो ही इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। वो बोलते हैं कि वो अब एक नया और मोर अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल डेवलप करना चाहते हैं इंडिया में। कैसा टाइप का ये तो भाई उनको ही पता है, लेकिन अभी जो हम लोग देख के आ रहे हैं इससे भी कुछ अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ इंडियन फुटबॉल वो डेवलप करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इंडियन जॉनरा ऑफ फुटबॉल को जब अट्रैक्टिव बनेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखेंगे और तभी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस पर इन्वेस्ट भी करेंगे। क्योंकि इंडियन नेशनल टीम अगर अच्छे खेली तो हमारी सब ये बात ही है भाई, अगर आपकी नेशनल टीम अच्छी खेलती है तो आपकी लीग भी आदमी देखेगी, अगर नेशनल टीम ही अच्छी नहीं खेलती तो लीग भी क्या ही देखेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर टॉप 70 रैंक पे अगर आ गए दुनिया में तो हमारी प्लेयर्स प्रीमियर लीग पे एलिजिबल हो जाएंगे जाने के लिए और खेलने के लिए। दे विल बी ट्रूली एलिजिबल टू प्ले ऑन एनी प्रीमियर लीग क्लब्स। तो इसी दौरान से हम लोग को अभी भी बहुत सारा ऐसा दिखने को मिलता है कि हमारे प्लेयर्स प्रीमियर लीग के कोई क्लब में उतना चांस नहीं मिलता है, क्योंकि उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है हाउ टू रिक्रूट प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो ऐसा ही हम लोग को बनाना होगा बहुत ही जल्दी, जैसे कि हमारे भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी चांस मिले प्रीमियर लीग या दूसरे ला लीगा में खेलने के लिए। तो ये अभी इगोस्टी मैच का बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट आया है कि ही इज़ वॉचिंग 4 इयर्स फॉरवर्ड विथ इंडियन फुटबॉल। अभी नहीं पता AIFF का क्या निर्णय होगा इसके ऊपर, लेकिन जो भी होगा हम और आपके साथ मिल के हम लोग ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इगोस्टी मैच को और भी 4 इयर्स दिया जाए और इसी इस पे इगोस्टी मैच हमारे इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाए। और ये जो हमारा इस टाइप का एक फुटबॉल बनते जा रहा है ना, एक टाइप ऑफ फुटबॉल जो कि हम लोग बोल सकते हैं नॉट ऑन सम वो काउंटर अटैक, हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा फुटबॉल जो है वो मोर और लेस एक बिल्डअप फुटबॉल है। हम लोग बिल्ड फ्रॉम द बैक करते हैं, हमारे गोलकीपर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसी चीज़ पर। तो हमारा जो पोजेशन गेम है जो कि इगोस्टी मैच ने आस्ते आस्ते हमारे अंदर वो डाल दिया है वो खेलना, तो अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसको और भी कौन से मुकाम पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो यही था इगोस्टी मैच का और 4 इयर्स में। और वो बोल चुके हैं कि देखो भाई हम ये फुटबॉल को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडियन अथॉरिटीज़ को अगर पसंद नहीं आता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू लीव एज अ फ्रेंड। तो जो कि हम लोग को पता है कि लीव एज अ फ्रेंड तो हम लोग करने नहीं देने वाले, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद कोई अच्छा मिला है जो कि इंडियन फुटबॉल को चाहता है ना। अभी आ रहा है मर्डेगा कप, किंग्स कप, AFC क्वालिफायर्स और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन एशियन गेम्स, जिसमें कि एशियन गेम्स में ये भी सुना जा रहा है कि हम लोग संदेश झिंगन और हमारे जो और भी दो ये है गुरप्रीत सिंह संधू और
सुनील छेत्री इनको नहीं भी देख सकते होंगे क्योंकि ऐसा कुछ नियम का थोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो इसके ऊपर भी कुछ भी होगा तो आप लोग को जारी रखेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग आपको ज़रूर आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहेगा तो बोलते रहेंगे, वो चिंता नहीं है। तब तक के लिए आज यही था, आपको कैसा लगा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब करके ये बताइएगा। ऐसे ही इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करते रहिए, हम लोग ऐसे ही आपके पास न्यूज़ लाते रहेंगे और आपको इंडियन फुटबॉल के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए पीस ऑफ, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे।